दोस्तों, आपको अपने जीवन में अपने आसपास ऐसे कई सारे लोग आपको दिखेंगे जो हमेशा अपनी डेस्टिनी के भरोसे बैठे रहते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते रहते हैं, और वो लोग किसी भी एक पर्टिकुलर काम को अपना पूरा वक्त नहीं देते, बांटे हुए कामों में अपना काम करते हैं, सोचते हैं यहाँ से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो यहाँ से, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन बन ही जाएगा। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि अपनी उन इच्छाओं को, अपने उस इंटरेस्ट को, या फिर अपने उस इच्छा शक्ति को जो लगने वाली थी किसी काम पर, जिसमें उसका प्रॉपर पूरी तरह से इंटरेस्ट था, वो काम कभी उसने किया ही नहीं। दोस्तों, जो काम आप करोगे और उसमें पूरी तरह से आपको मजा ना आए, मतलब मजा आना चाहिए काम करते हुए, आपको बोरियत फील बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप सुबह लगो किसी काम के लिए और रात तक आप बैठे रहे, काम करते रहे, पर आपको एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रहा हूं या चाय पी लेनी चाहिए, थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए, चलो थोड़ा घूम कर आ जाता हूं, ये चलो सिगरेट ही पी लेते, स्मोक कर लेते हैं, अगर ये सब फीलिंग्स आपके दिल में अपना काम करते हुए आती है, तो दोस्तों मेरा मानना है और आपको भी मानना चाहिए कि वो काम आपके लिए बना ही नहीं है, उस काम में वो तरक्की आपको नहीं मिलेगी जो तरक्की आपको मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हो यही आपके कल को बनाता है। अच्छा सोचिए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सोचिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सोचिए। रात को जब आप सोते हो तो एक सोच के साथ आपको सोना है कि मैं क्या करने वाला हूँ नया अपनी जिंदगी में, और जब आप सुबह उठो तो उसी एक सोच, उसी एक पॉजिटिव जो आपके क्रिएटिव माइंड में चल रही है कोई नई नई बातें, वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। दोस्तों, आप अपने जीवन में हर वो चीज कर सकते हो, हर उस चीज को हासिल कर सकते हो जो कुछ आप सोच सकते हो, उस सोच से भी ज्यादा आप हासिल कर पाओगे अगर आप उससे और कुछ बेहतर सोच पाए, और हर वो चीज आप इस दुनिया में सोच सकते हो जो अभी तक किसी ने सोची नहीं। सबसे पहले क्रिटिसिज्म का शिकार बन जाओगे अपनी फैमिली के द्वारा, अपनी फैमिली से क्रिटिसाइज किए जाओगे, और आपको उस क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपने उस सोच के लिए जो आपने नया सोचा है उसके लिए आगे बढ़ो, उसके लिए काम करो, जितना ज्यादा हो सके अपनी पूरी जिंदगी को भी दांव पर लगाना सके उस एक प्रोडक्ट के लिए लगा देना चाहिए। दोस्तों, वक्त लगता है किसी चीज को महान बनने में, पर उस महान बनने के बीच का जो संघर्ष है, जो रास्ता आपको तय करना है, वो आप अकेले ही तय करोगे। महान वही लोग बनते हैं जिनकी सोच अलग होती है, महान वही लोग बनते हैं जिनकी क्रिएटिव सोच होती है, महान वही लोग बनते हैं जो चैलेंजेस को लेना जानते हैं, चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं, किस तरह से उन चैलेंजेस का अपने जीवन में सही प्रयोग करना है, सही उपयोग करना है, उसे जानते हैं। आपको जीवन में संघर्ष करना होगा और सिचुएशंस में भी पॉजिटिव माइंड की तरह ही काम करना होगा, और एक दिन वो आएगा जब आप इस दुनिया की भीड़ से बहुत अलग खड़े नजर आओगे और जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया होगा। अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि इस दुनिया में हर वो चीज की जा सकती है जो आप सोच सकते हो, और हर वो चीज आप सोच सकते हो जो अभी तक किया नहीं जा सका, या फिर अभी तक जो किसी ने किया ही नहीं है। आप सोचने पर ध्यान दीजिए, जितना हो सके ध्यान लगाइए, जितना हो सके सोचने पर अपना टाइम लगाइए, और सोचिए क्या बड़े से बड़ा आप कर सकते हो, या क्या अपने काम में बड़े से बड़ा कर सकते हो। दोस्तों, अमीर सब बनना चाहते हैं, अपना नाम इतिहास में सभी लिखवाना चाहते हैं, सभी चाहते हैं उनको लोग जाने, पर उसको दी जाने वाली जो मेहनत है उसे कोई नहीं चाहता, कोई करना नहीं चाहता उसको, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत की जाती है, बहुत मेहनत लगानी पड़ती है, साथ में ही अपने सुख चैन को और साथ में ही अपनी बहुत तरह की खुशियों को भी दांव पर लगाना पड़ता है। आप अक्सर अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखोगे जो करना बहुत कुछ चाहते हैं, थोड़ा 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 सब कुछ करते हैं, डेडिकेशन डेडिकेटेडली वो काम कुछ नहीं करते, या फिर पूरी तरह से अपना वक्त किसी काम को नहीं देते, और इसी वजह से मिलता कुछ नहीं। मतलब कि यहाँ वहां के सब कामों पर वक्त तो दिया, पर परफेक्ट किसी के लिए नहीं बने। एग्जाम्पल से आप समझिए, जैक फॉर ऑल एस फॉर नथिंग, मतलब फिट सब जगह हो सकते हैं पर वो परफेक्ट किसी भी एक चीज में होते ही नहीं है। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है, जब तक आपका ये क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। आप जितना मर्जी भाग लो, मिडिल क्लास की तरह अगर सोचोगे कि अभी ये कर लूंगा, ये नहीं कर पाया तो वो कर लूंगा, और वो भी नहीं हुआ चलो वो तो मैं कर ही लूंगा, जब तक आप सेकेंड ऑप्शन लेकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे तब तक आप किसी भी एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्शन आपको मिलेगा नहीं, और परफेक्शन ना मिलने की वजह से ही आप आगे बढ़ोगे नहीं, आपको वो चीज कभी हासिल होगी ही नहीं। अपने हमेशा जो भी चीज जीवन में कुछ आगे बढ़ने से आपको रोके, आपको उसी वक्त उस चीज को काट देना चाहिए, फिर चाहे तो आपका वो कंफर्ट जोन हो,
या फिर आपका वो काम जिसमें आपका मन नहीं लगता बट बेशक से आपकी रोजी रोटी उससे चलती हो। बेशक कुछ वक्त के लिए आपको परेशानियां हो सकती है बट आने वाला जो वक्त होगा, आने वाला जो कल होगा, आपका बहुत ही सुनहरा होगा। अपने आप को किसी भी तरह से कम्फर्ट जोन में रहने ना दे। कम्फर्ट जोन में अगर आप हैं और आप भी यही सोचते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने हैं, तो मोटिवेशनल वीडियोस आपके किसी काम की नहीं है। जिंदगी तो वैसे भी चल ही रही है और जिंदगी वैसे भी चलेगी। ना किसी के होने से जिंदगी तेज भागती है, ना किसी के ना होने से जिंदगी रुक जाती है। जिंदगी अपनी स्पीड से ही चलेगी। बस आप अगर चाहें जिंदगी का रास्ता बदलना, अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी के सफर को एक रॉल्स रॉयस में बैठकर उसके सफर का लुफ्त उठाना, तो आपको मशक्कत, आपको मेहनत, आपको अपने विजन के लिए जो संघर्ष करना होगा वो करना ही होगा। और वो होगा तभी जब आप राइट डायरेक्शन पर जाएंगे। जो काम आपके लिए बना है आप उसी काम को करेंगे। जिन कामों में मन नहीं लगता पर आपको फोर्सफुली करना पड़ रहा है, मेरा मानना है उन कामों को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना जिंदगी में वो सक्सेस, वो तरक्की नहीं मिलेगी जिस तरक्की को आप डिजर्व करते हैं।